वनराज शाह के मुंह में दही जम गया जब अनुज ने कहा आपको क्या दादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब लग रहा है पता कि ये जो पाखी है इसकी जुबान में फिल्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पिता की जुबान में भी फिल्टर है ही नहीं। रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मजाक का रिश्ता नहीं, फिर भी ये अनुज और अनुपमा पे अपने ताने कसने से बाज नहीं आता है। आज भी कोई ऐसा नहीं था कि वनराज शाह को बोलना चाहिए, एक बच्ची बीमार है, उसका पिता तुम्हारे पास आया है, वो पिता जिसने तुम पे इतने एहसान किए हैं कि तुम्हारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी मगर वो एहसान गिनने तुम खत्म नहीं करोगे, मगर फिर भी जुबान है कि रुकती नहीं। तो इसका जवाब तो अनुज को देना ही था। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस धारावाहिक में अगर ना शुक्रों की गिनती की जाए, नंबरिंग की जाए, तो सबसे पहले ये आध्या और वनराज ही आते हैं। वनराज जिस तरह से आज अनुज अनुपमा से बात कर रहा था, जिन्होंने शाह परिवार के लिए उसके ना होते हुए भी इतना कुछ किया, रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी अनुपमा लगी रही इनके साथ, अनुज लगा रहा इनके साथ इनके लिए करने के लिए, तो आज उसकी बेटी बीमार है, बीमार बेटी को अनुज घर पे लेके आया है, तो उस बाप के साथ सिंपथी करने की जगह, बाप का दर्द समझने की जगह वनराज शाह उन पे ताने कस रहा है कि आप दोनों ने बेटी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो क्या वनराज शाह के अंदर पेरेंटिंग की दर्द भी खत्म हो गई है? क्या वो दर्द महसूस होना बंद ही हो गया है वनराज शाह को, जो इंसानियत का दर्द होता है? तो यहां पे अनुज का अनुपमा के सामने आना, खुद जवाब देना बहुत अच्छा लगा, और एक तरह से अनुज ने वो डाइवोर्स वाली बात भी क्लियर कर दी कि हम सिंगल हैं, कि वो भी सिंगल मैं भी सिंगल, जो भी कुछ अनुज ने कहा कि आपको क्या दादा, क्या पड़ी है आपको हमारे रिश्ते के बीच में बोलने की, बात भी सही है, लिविंग में रहे ना रहे जो भी करे हमारी मर्जी है भाई, और तुमको जो बोलना है वो बोलो कि तुम अपने घर पे मेरी बेटी को रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, वो तुम्हारा टेक हो सकता है बोलने का। वहां पे तुम बेटी के सर पे हाथ रख के उसको भेज रहे हो कि जाओ बेटा, और उसको सुनाते हुए भेज रहे हो कि दोनों को मौका मिल गया। तो ये जो वनराज शाह ने किया है, इसका जो जवाब अनुज ने दिया है वो माइंड ब्लोइंग था। इसके बाद तो वनराज शाह के मुंह में दही जमना जरूरी ही था, और वो इसके बाद बोलता भी तो क्या बोलता। तो मुझे ये सीन अच्छा लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।